हाय फ्रेंड्स, आज हम विशेषण पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। ये सब्सक्राइब का आइकॉन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें तो चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है इस चैनल के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। अगले जो ग्रामर के वीडियोस अपलोड होंगे वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसके बगल में बेल का आइकॉन है, इस पर भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें। इसको फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के इसका लाभ उठा सकें। चैनल का नाम है एग्ज़ाम गुरु। धन्यवाद। तो हम बात करते हैं विशेषण की, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा, ठीक है। तो मोटा जो है लड़के की विशेषता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। और लड़का जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष्य हो जाएगा। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। अब देखते हैं कि ये विशेषता जो संख्या, आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव जो है इनके आधार पे एक एक उदाहरण देखते हैं। तो संख्या के आधार पे जो है एक उदाहरण देखते हैं। वहाँ चार लड़के बैठे हैं, यहाँ लड़कों की संख्या की बात की जा रही है। आकार, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, ये छड़ी की जो है विशेषता बताई जा रही है। यहाँ अवस्था, श्याम 10 वर्ष का है, ये श्याम की अवस्था बताई जा रही है कि वो 10 वर्ष का है। रूप के आधार पर उदाहरण देखते हैं। राधा सुंदर लड़की है, राधा के रूप की बात की जाए कि वो बहुत सुंदर लड़की है। गुण की बात की जाए तो उसका कोट पुराना था तो ये कोट के गुण की बात की जा रही है। स्वभाव, श्याम मोहन जी मिलनसार हैं, श्याम मोहन जी जो मिलनसार है, मिलनसार जो है इनका स्वभाव है श्याम मोहन जी का। स्थिति की बात करें तो शीला उनकी लाडली बेटी है, अब ये स्थिति की बात की जा रही है, शीला जो है बहुत लाडली बेटी है उनकी। अब हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार की। तो विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो हम पहले पे चर्चा करते हैं गुणवाचक विशेषण पे। तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध तथा दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं उसके। ये कपड़े लाल हैं, ठीक है, तो ये कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, कि वो लाल है, ठीक है। इस लड़के का रंग गोरा है, ठीक है, तो यहाँ जो है लड़के के रूप रंग की बात हो रही है कि वो गोरा है। वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, तो यहाँ भी जो है सुंदरता की बात हो रही है, यानी कि रूप रंग की बात हो रही है कि लड़की बहुत सुंदर है। श्याम हरी कमीज पहने हैं, अब यहाँ जो है श्याम के जो है रंग की बात हो रही है, ठीक है, श्याम के कमीज के रंग की बात हो रही है जो हरी है, तो श्याम के कमीज की विशेषता क्या है कि वो हरी है, ठीक है। वह मोटा आदमी है, आदमी की विशेषता की बात हो रही है कि वो मोटा है, ठीक है, तो ये उसका गुण है मोटा है, ठीक है। सोहन दुष्ट लड़का है, देखिए सोहन का जो है ये गुण क्या है, सुखी सोहन दुष्ट है, यहाँ भी गुण की बात हो रही है तो गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, मुझे थोड़ी चाय दो, अब यहाँ जो है एक पर निश्चित परिमाण की मुझे थोड़ी सी चाय चाहिए, ठीक है, तो परिमाण की बात हो रही है। मुझे 2 सेर चावल दो, यहाँ भी जो है 2 सेर यानी मतलब एक निश्चित परिमाण की बात हो रही है कि मुझे इतना चावल चाहिए। यह गाय बहुत दूध देती है, यहाँ दूध की बात हो रही है कि जो है गाय जो है बहुत दूध देती है, यहाँ भी एक परिमाण की बात हो रही है, ठीक है। दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण जो है ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम पहले बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। तो इससे किसी संज्ञा के निश्चित मापतौल का बोध होता है।
जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, ठीक है, तो यहाँ जो चार है एक निश्चित तौल का बोध कराता है, इसलिए ये एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेले में अनेक पशु पक्षी थे, यहाँ अनेक से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि संज्ञा की संख्या का बोध हो जिस विशेषण से, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे दोनों स्कूल गए हैं, ठीक है, यहाँ संख्या की बात हो रही है कि दोनों स्कूल गए, ठीक है, यहाँ 3 बालक हैं, यहाँ बालकों की संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए मित्रों, संख्यावाचक विशेषण भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जहाँ निश्चित संख्या का बोध हो, ठीक है, तो वो जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो जिस विशेषण में निश्चित संख्या का बोध हो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे सभा में कुल 20 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, तो यहाँ निश्चित संख्या की बात करें कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, 20 सदस्य। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुमने अमित को बहुत सेब दिए, ठीक है, तो बहुत यहाँ पे मतलब निश्चित संख्या की बात नहीं की जा रही, बहुत सारे सेब की बात की जा रही है, ठीक है। दोस्तों चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर इसी शहर में है, तो इसमें जो मेरा है वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि जो है मेरा घर जो है इस शहर में है, ठीक है, विशेषता बता रहा है अपने घर की। आपका पत्र मिला, ठीक है, तो पहले वाक्य में मेरा शब्द घर की विशेषता तथा दूसरे वाक्य में आपका सर्वनाम, ये आपका शब्द जो है ये सर्वनाम है, ठीक है, शब्द पत्र की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा और आपका है ये दोनों जो है विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो या संकेत का बोध हो कि ये निश्चित संकेत दे रहा है, ठीक है, कि उदाहरण देखते हैं, उस कलम को यहाँ लाइए, ठीक है, तो यहाँ क्या बात की जा रही है कि उस कलम को लाइए, तो यहाँ संकेत दिया जा रहा है कि जो है वो कलम लेके आओ, ठीक है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है, अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे कोई सज्जन आए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ में कोई निश्चित नहीं है कि कौन आए हैं, ठीक है, कोई आए हैं, हमें पता नहीं है कौन आए हैं, ठीक है, तो यहाँ अनिश्चितता की बात हुई जा रही है। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न का बोध होता है, जो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ क्या क्यों कैसे आता है तो वो प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है, ठीक है, तो तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे, ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया।